नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी, आप देख रहे हैं thrillzone.com और आज हमारे पास ब्रांड न्यू थर्ड जनरेशन ऑल न्यू हुंडई i20 आ चुकी है। हम इसका फर्स्ट डिटेल लुक आपको बताएंगे। हमने फिलहाल कार चलाई नहीं है, ये एक डिटेल फर्स्ट वीडियो है जो लॉन्च के समय हम आपके लिए लेके आए। चलाने का वीडियो अलग रहेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑल न्यू कार है और मेरे हिसाब से इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल। शायद मैं नहीं बोल पाऊँ इतनी जल्दी, पर एक डिज़ायर डिज़ाइन को ग्रो होने में, आपके ऊपर आने में, ग्रो होने में टाइम लगता है। तो ये डिज़ाइन जो है, मेरे हिसाब से फर्स्ट जनरेशन i20 जो आई थी, इसने पूरा मार्केट हिला के रख दिया था। तो मुझे लगता है उसका जो एसेंस है, मतलब थोड़ा सा उसका जो एक एसेंस लेके इस गाड़ी को बनाया गया है, क्योंकि वो भी ऐसी एक लॉन्ग और लो गाड़ी थी। और पर इसे यहाँ पे 2020 के हिसाब से मॉडर्न कर दिया गया है। हुंडई का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है सेंस स्पोर्टी, उसे हिसाब में रखते हुए ये डिज़ाइन बनाया गया है। और इसकी आप देख सकते हैं, हमेशा की तरह हम आगे से शुरुआत करते हैं। और ये है टर्बो DCT वेरिएंट, और जैसे कि आप जानते हैं, हर टर्बो DCT वेरिएंट जो हुंडई देता है, उसमें आपको एक अलग सी फैंसी ग्रिल मिलती है, लिप स्पॉइलर यहाँ पे मिलता है, और ब्लैक आउट एक्सेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फॉग लैंप्स के साथ। 16 इंच के व्हील मिल रहे हैं जो 195/55 सेक्शन है, और CL सिक्योरा ड्राइव वाले ब्रांड न्यू टायर्स हैं इसमें। और जी हाँ, तो ये इसका डिज़ाइन है, और इसमें हमेशा कहता हूँ जो मेटल टू ग्लास रेशो है काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा कूपेज डिज़ाइन है इसका, पर फिर भी ग्लास एरिया काफ़ी बढ़िया है। आप इस गाड़ी पे i20 की बैजिंग देखने वाले हैं, इधर हेडलाइट यहाँ और यहाँ पे और टेल लैंप में ब्रांडिंग की गई i20 की तीन जगह पे, क्योंकि ये एक थर्ड जनरेशन कार है। और क्योंकि नए नए सेगमेंट को काफ़ी बढ़ाया है i20 के लॉन्च के साथ में। पीछे की डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग है, काफ़ी ध्यान बटोरने वाली है ये गाड़ी। और ये जो क्रोम स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये यूरोपियन मार्केट में नहीं दी जाती जहाँ पे ये गाड़ी ऑलरेडी सेल पे है, पर यहाँ पे दिया गया क्योंकि कस्टमर ने डिमांड किया। यहाँ पे आपको एक डॉटेड दिया गया है कि आपको यहाँ पे दबाना है खोलने के लिए, क्योंकि बाकी सब लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे करते हैं, पर एक ही बार आप यहाँ पे दबाएंगे तो फ्यूल कैप खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, शोल्डर लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और रूफ सनरूफ भी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अंदर घुसते ही। और ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग गाड़ी है। अब मैं आपको इसकी लाइट्स बताता हूँ, और उसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक जो रूफ और मिरर जो है वो ब्लैक एंड डार्क कलर में है। ये टॉप ऑफ द लाइन एस्टा वेरिएंट है। स्टार्ट कर दी गई गाड़ी, और जैसे कि आप देख सकते हैं LED लाइट DRL काफ़ी बड़ा है, और पीछे की लाइट देखिए जो जेड शेप लाइट है काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छी दिखती है, और इस गाड़ी को बहुत ही डिफरेंट लुक मिलता है इसकी वजह से। पीछे आई गए हैं, इंटीरियर की बात ही करनी है तो बूट से शुरुआत करते हैं। ये इसका बूट है, पहले से 26 लीटर बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ये कार अभी 300 लीटर की इस सेगमेंट में आ गई है, और ये 311 लीटर का बूट है। काफ़ी बड़ा बूट है, काफ़ी डीप है, काफ़ी वाइड है, जिससे कि आप 3 से 4 बड़े बैग रख सकते हैं यहाँ पे आसानी से, ऐसे इसको बंद कर सकते हैं। फीचर्स की भी शुरुआत कर ही देते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे रेयर सेंसर आपको मिल रहा है, और रेयर पार्किंग सेंसर, और रेयर रिड्यूसिंग कैमरा मिल रहा है। मैं पहले पीछे बैठ के आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड काफी लग्जरी कार से इंस्पायर्ड है। स्टीयरिंग व्हील हमने ये क्रेटा वेन्यू डी IMT में देखा था पहली बार, और काफी बढ़िया इसका इंटीरियर कर दिया गया है। आगे जाके इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स की शुरुआत करते हैं कीलेस एंट्री एंड गो से। पुश बटन स्टार्ट है यहाँ पे, और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जैसे कि आपको दिख रहा है, वो कैमरा का व्यू बटन आपको, और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी कार स्टार्ट करता हूँ और आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ जो वर्ना से लिया गया है, और काफ़ी बड़ा है, आपको देखने में चलाते टाइम आसानी होगी। आपको इसमें फ्यूल एफिशिएंसी पैरामीटर्स मिलते हैं, जिसे आप इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बटन जो है रेड कर दिए गए हैं, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, वॉइस कमांड दिए गए हैं, और जो ब्लू लिंक सिस्टम के साथ चलेंगे, और जो ये स्क्रीन में दिए गए हैं, ये स्क्रीन 20 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, लगभग 10 इंच के आसपास
8 से 9 इंच के आसपास हुई। और ये स्क्रीन बहुत ही बढ़िया है, स्क्रीन की वजह से इसका जो इंटीरियर प्रीमियम कैरेक्टर है वो बहुत ही उछल के बाहर आता है। इतनी बड़ी स्क्रीन एक सब 4 मीटर प्रीमियम हैचबैक में देखने को मिल रही है, जिससे कि आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील आता है। ये जो वेंटिंग देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये भी काफ़ी बढ़िया है और इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी नया है। ये एकदम लग्जरी कार की फील देता है आपको, और छोटे छोटे एलिमेंट जैसे कि ये, जिससे कि आपको एक लग्जूरियस प्रीमियम फीलिंग आती है। यहाँ पे भी बटन के ऊपर रेड मार्किंग की गई है क्योंकि ये टर्बो डीसीटी वेरिएंट है। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, 12 वोल्ट सॉकेट मिल रहा है, 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। इसका एसी काफ़ी बढ़िया चलता है, और ये इसका एयर प्योरीफायर है जिसे हुंडई ऑक्सी बूस्ट कह रहा है इस टाइम। ये इसका ग्लव बॉक्स है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काले कलर के डोर हैंडल भी मिल रहे हैं। यहाँ पे भी रेड एक्सेंट है, और आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट मिल रही है आपको इस सेगमेंट में। अगर आप हमारे चैनल को देखेंगे तो हमने काफ़ी लग्जरी कार में आपको दिखाया कि एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। अभी आपको i20 में भी मिल रही है। Bose 7 स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको मिल रहा है। पैडल्स जो है यहाँ पे वो भी स्पोर्टी वाले पैडल्स हैं। और ये जो ब्लूलिंग सिस्टम है यहाँ पे, आपको यहाँ पे 50 फीचर्स मिल रहे हैं, और आपको अभी ओवर द एयर नेविगेशन अपडेट मिलेगा, जिससे कि नेविगेशन हमेशा अपडेट होता रहेगा, जिससे कि आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और ये जो इसका टच और फील है काफ़ी बढ़िया है, बटन दबाता हूँ तो ये काफ़ी इमीडिएटली रिएक्ट करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे जाना है, और समझिए मुझे यहाँ पे जाना है तो फटाफट लोड हो गया, रूट गाइडेंस शुरू हो गया। तो इसका नेविगेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, पहले भी अच्छा था, अभी हुंडई ने बहुत ही बड़ी लीप लेके इसे काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। और आपको यहाँ पे ये रेड स्टिचिंग वाली सीट्स मिल रही हैं क्योंकि टर्बो डीसीटी वेरिएंट है। और यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया रेड एक्सेंट है, तो ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस हो गया आपको। बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया रिवर्सिंग कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर है, और ये आपको ब्लूलिंग बटन है, ये आपका टोइंग वाला बटन है, और ये इमरजेंसी के लिए बटन है, और ये ऑल इम्पॉर्टेंट सनरूफ कवर के साथ जो पूरी तरीके से खुलता भी है। सेफ्टी की बात करें तो ABS, CBD और 6 एयरबैग्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। हाइट एडजस्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको मिल रहा है इस गाड़ी के साथ। ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और इतने सारे फीचर्स के साथ ट्रूली ये सेगमेंट फर्स्ट गाड़ी में आपको बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिल रहे हैं इस कार में। अभी हम पीछे की सीट जाके चेक करेंगे, मैं ड्राइविंग सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। हुंडई हमेशा से अपनी रेयर सीट एक्सपीरियंस के लिए तो कभी जाना नहीं गया, पर हुंडई ने इस टाइम बहुत सारा काम किया है यहाँ पे, तो मेरी ड्राइविंग पोजीशन में बैठ के देखते हैं। नी रूम बहुत बढ़िया है, लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, पहले से ज़्यादा स्पेस बढ़ा दिया गया है इसमें। और हेडरूम जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, मैं 5'11" हूँ, थोड़ा सा और स्पेस होता तो अच्छा होता। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे भी मिल रहे हैं आपके, और पीछे भी मिल रहे हैं, बीच में नहीं है पर बीच में सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिडिल पैसेंजर के लिए मिल रहा है। मिडिल पैसेंजर ठीक ठाक कंफर्टेबल रहेगा। शोल्डर रूम 3 नॉर्मल साइज एडल्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी काम हो जाना चाहिए, कंफर्टेबल रहनी चाहिए क्योंकि इसका अंडर साइज सपोर्ट बढ़िया है हमेशा की तरह, हर हुंडई की तरह, तो आपको जो कंफर्ट फीलिंग है वो अच्छी रहेगी। और ये जो है थोड़ा डार्क इंटीरियर है क्योंकि ये टर्बो डीसीटी वेरिएंट है, पर यहाँ पे ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है तो लाइट काफ़ी आने वाली है अंदर। और ओवरऑल कैबिन का जो एक्सपीरियंस है आगे और पीछे काफ़ी बढ़िया है। और बस यही है नई हुंडई i20। LED लाइटिंग आपको मिल रही है आगे पीछे, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव स्ट्राइकिंग डिज़ाइन आपको मिल रहा है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी इंजिन के बारे में, आपको एक टर्बो पेट्रोल DCT जो मिल रहा है वो मिलेगा, आपको 1.2 लीटर इंजन मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसमें आपको CVT भी दिया गया है, और डीजल जो है मैनुअल के साथ आने वाला है। डीजल जो 100 PS का वैल्यूमेटो इंजन है वो इसमें मिलेगा, और यही 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 2 ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस हैं। डीजल ऑटोमेटिक शायद आ भी सकता है 6 महीने 1 साल बाद, पर वो बाद में की बात है, अभी हमारे पास आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।